स्वागत है आप सभी का क्लास नाइन्थ टिश्यू के अगले वीडियो में और आज के वीडियो में हम समझेंगे कंपाउंड एपिथीलियम के स्ट्रक्चर लोकेशन फंक्शन और टाइप्स के बारे में स्टार्टिफाइड एपिथीलियम क्या होता है इस सब के बारे में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सभी पार्ट की लिंक आपको वीडियो के एंड या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जरूर देखिएगा इट इज ऑफ मोर देन वन लेयर मल्टी लेयर्ड सेल होते हैं और एक से ज्यादा लेयर में प्रेजेंट होते हैं जब नंबर में लेयर सेल्स का जो स्ट्रक्चर है जो शेप है वो सिंपल के जैसा ही होगा बस लेयर क्या होगी बढ़ जाएगी मल्टी लेयर्ड सेल होंगे इस वजह से कंपाउंड इपीथिलियम इनको कहते हैं कंपाउंड इपिथिलियम का जो मोट्यू था बनाने का या जो बनते इनका जो फंक्शन होता है ये थिकर और स्ट्रांग होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन अंडर द डीपेस्ट लेयर होती है लेकिन कुछ ऐसे भी सेल यूनिक ग्रुप ऑफ सेल यहां पे आप देखेंगे जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं भी होती है जिसको ट्रांजिशनल एपिथीलियम कहते हैं अभी जब इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो बताएंगे लोकेशन की बात करें तो ये कवर करते हैं सरफेस वेयर रिप्लेसमेंट ऑफ अ सेल आर नीडेड ऐसी जगह पे होंगे स्किन में होंगे जहां पे अगर वेयर एंड टीयर किसी भी तरीके से स्किन रफ एंड टफ किसी भी तरीके से टीयरिंग या कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो वहां पे नए सेल को रिप्लेस करने का काम मल्टीलेयर्ड होते हैं रिप्लेस कर देते हैं तो ऐसी जगह पे दे आर कवर्ड द सर्फेस वेयर कॉन्स्टेंट रिप्लेसमेंट आर नीडेड कहां काम मिलनी होंगे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन मॉयस सरफेस ऑफ बकल कैविटी फेरिंग्स में इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सेलेब्री ग्लैंड पेनक्रियाज फंक्शन क्या होगा इनका मोस्टली बहुत लेस रोल प्ले करते हैं सिक्रीशन और एबजॉपन में इनका जो मेन रोल होता है वो प्रोटेक्शन का होता है चलिए इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं और और इसके फंक्शन के के टाइप्स को समझें तो ट्रांजिशनल दो कैटेगरी में इनको बांटा गया ट्रांजिशनल इपिथिलियम को सबसे पहले समझते हैं ये स्ट्रेचेबल होते हैं और फोर टू सिक्स लेयर में इनका जो है डिपोजिशन होता है बेसमेंट मेम्रेन यहां पे एबसेंट होगा वन एंड ओनली बहुत कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है ओनली टिश्यू जहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है और ये डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यूज को जो है वो क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं स्ट्रेचेबल है इसी वजह से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिटर वगैरह में पाए जाते हैं स्टार्टिफाइड इपीथिलियम की बात करें तो नॉन स्ट्रेचबल होंगे सेबरल मल्टीलेयर्ड होंगे और जर्मिनेटिव लेयर इनको बोलते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे एंड वाला काम होगा सेल रिप्लेसमेंट का काम होना होगा वहां पे पर यह कंपाउंडियम मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर सेल्स में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं विथ बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां पे होगा स्टार्टिफाइड इपीथीलियम के टाइप्स को डिस्कस कर ले विथ देयर फंक्शन तो स्टार्टिफाइड इपीथिलियम स्क्मस क्यूबॉइडल और कॉलमनर थ्री बेसिक फॉर्म में डिवाइडेड है बस ये मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं यहाँ पे आप देखें स्टार्टीफाइड स्क्मस इपीथीलियम नॉन स्क्मस में डिवाइडेड है प्रोटीन होता है वो अगर प्रेजेंट है तो किरेटिनाइज नहीं प्रेजेंट है तो नॉन किरेटेनाइज किरेटिनाइज स्क्वामस स्किन वगैरह में और नॉन किरेटनाइज स्क्वामेस इपिथिलियम कवर द मॉइस्ट सर्फेस को कवर करते हैं लाइनिंग्स ऑफ ऑप्चिक्स लिप्स फूड पाइप विजाइनर जहां पे क्या होगा मॉय सरफेस होगा वहां पे ये कवर करने का काम करते हैं Retinized और squamous, cuboidal की बात करें तो स्वेट ग्लैंड क्यूबॉइडल है तो क्यूब लाइक सेल होंगे सीबेसियस ग्लैंड यहां पे ये प्रेजेंट होंगे स्टार्टिफाइड कॉलमनर की बात करें तो कॉलमनर जैसे कॉलम जैसे सेल्स होंगे पिलर की तरह और इपिग्लॉटिस मेल यूरे और वॉइस बॉस लैरिंग्स वगैरह में ये प्रेजेंट रहते हैं तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन था कंपाउंड इपीथिलियम का अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज का स्ट्रक्चर लोकेशन फंक्शन तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शह से धन्यवाद